हरियाणा के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ग्राम सचिव पेपर लीक समेत अन्य पेपर लीक मामलों के खिलाफ एचएससी के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि एनएसयूआई नेता व कार्यकर्ता दिव्यांशु बुद्धि राजा पहले भी कई बार छात्र हितों को लेकर प्रदर्शन व कार्यों के चलते हिरासत में लिए जा चुके हैं। अब एक बार फिर दिव्यांशु बुद्धि राजा हिरासत में लिए गए। इस मौके पर बुद्धि राजा ने कहा कि अंतिम सांस तक हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जानकारी के अनुसार इस दौरान दिव्यांशु बुद्धि राजा व उनके कार्यकर्ता खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वे प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान हरियाणा पुलिस के जवान भी उन्हें रोकते हुए नजर आए। बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके साथ आए कार्यकर्ताओं के हाथों में स्लोगन की पट्टिकाएं भी थी, जिन पर लिखा था कि हमारे भविष्य से ना खेले, युवा पीढ़ी की हुंकार बंद करो भ्रष्टाचार, भारत भूषण भारती अपना इस्तीफा दो, भ्रष्टाचार और रिश्वत की नहीं जहां थोड़ उसे कहते हैं एचएसएससी बोर्ड। इसी दौरान वे कार्यकर्ताओं के साथ भारत भूषण भारती इस्तीफा दो के भी नारे लगा रहे थे। बुद्धि राजा ने कहा कि अंतिम सांस तक वह अपने हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हरियाणा पुलिस के जवानों ने इस दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया और अपने साथ पुलिस वैन में बिठाकर उन्हें ले गए। पंचकुला से संवाददाता खुशबू नैब की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.